हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर 1 है, तो 1 के स्थान पर हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, और एक सूत्र और हम लोग साइन 2x की वैल्यू ये होती है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब एक के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखेंगे और साइन 2x के स्थान पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यानी इस एक के स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं, मैंने कॉस स्क्वायर पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर बाद में, प्लस साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। पहले तो ये पूरा समीकरण 1 मान लेते हैं, फिर ये नीचे वाली वैल्यू t के बराबर मानेंगे। t बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्लियर है ना। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करोगे तो क्या मिलेगा, ज़रा देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी डी एक्स का गुणा इसमें करेंगे कॉस एक्स, और डी डी एक्स का गुणा साइन एक्स में करेंगे। अब हम डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर जानते हैं साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। इसका सीरियल में लगाएंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आगे इसका बटा 1 मान लेते हैं और तीर्य गुणा 1 का गुणा dt में करेंगे और dx का इसमें कर देंगे cos x माइनस साइन एक्स dx। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 में cos x माइनस साइन एक्स dx, ये dx से यहाँ बगल में लिख दें तो cos x माइनस साइन एक्स dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt लिखेंगे समीकरण 1 में। और आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है हमने इस चीज़ को t के बराबर माना है, तो यहाँ पे t रखेंगे और स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, और इसके स्थान पे dt हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान नीचे टी स्क्वायर। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा टी के पावर -2। यहाँ पे सूत्र लगाओगे जब एक्स के पावर एन का टी के पावर -2 + 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे टी के पावर -1 बटे -1 + c। ऊपर नीचे माइनस गुणा करेंगे तो -1/t + c। और ये जो t की वैल्यू है यहाँ पर हमने माना था cos x + sin x + c। तो इस तरीके का ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, tan³ 2x है इसको दो बार ऐसे लिखेंगे tan² 2x tan 2x sec 2x dx। यानी ये चीज़ 3 बार है तो इसे 1 बार 2 बार 1 बार 1 बार। अब यहाँ पे ये समीकरण 1 क्लियर है ना। अब आगे देखिए इस चीज़ को हम एक सूत्र जानते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने पढ़ा था चूँकि tan² x ये बराबर होता है sec² x - 1। तो यहाँ पे यही सूत्र लगाएंगे, इसके स्थान पे लगा देंगे sec² 2x - 1 tan² 2x × sec 2x dx। अब आगे इस चीज़ को t के बराबर मान लेंगे, ये जो वैल्यू है इसको समीकरण 2 मान देते हैं और ये चीज़ हम t के बराबर माना t = sec 2x। स्क्वायर छोड़ के केवल sec 2x t के बराबर मानेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ t = ddx ऑफ sec 2x। अब यहाँ पे ddx ऑफ sec x का सूत्र तभी लगेगा जब आप d2x के गुणा d2x से भाग, यहाँ पे रिप्लेस टू प्लेस dx के स्थान पर d2x और d2x के स्थान पर dx, dd d2x and sec 2x, d2x/dx। अब यहाँ पे ddx ऑफ sec x बराबर होता है sec 2x × tan, दो अचर है, अचर राशियाँ अवकलन से बाहर, ddx ऑफ x बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कर देंगे 2 sec 2x tan 2x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एन ddx ऑफ t। अब ये जो 2 है ना इसे भाग में कर देंगे और dx का इसमें गुणा कर देंगे। तो हमारे पास dt बाई 2 और sec 2x tan 2x dx ये चीज़ लिखेंगे। समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 2x sec 2x dx, और यहाँ देखिए tan 2x sec 2x dx के स्थान पे मैंने dt बाई 2 निकाला है, तो इसके स्थान पे dt बाई 2 और यहाँ पर t रखेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर डी टी अपान 2। फिर देखिए डी टी बाई 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर डी टी बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी बाई 2। तो यहाँ पे ए 2 है ना, 2 जो है समाकलन के बाहर हो जाएगा, तो मिल जाएगा 1/2 टी स्क्वायर डी टी और यहाँ पर भी 1/2 1 डी टी। इसमें मान रख दीजिए, यहाँ पे लगाएंगे ये वाला सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर एक्स के पावर एन बटे एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा टी के पावर 3/3 माइनस 1/2 1 का एक्स टी हो जाएगा, और अनिश्चित समाकलन इसलिए इसे जोड़ देंगे। फिर हो जाएगा 1 का गुणा इसमें, टी का मान क्या माना था मैंने, टी का मान माना था सेक 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक क्यूब 2x 3×6 1/2 एन सेक 2x प्लस। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ को लिखेंगे जैसे tan के पावर 4 है, तो इसे लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस चीज़ को यहाँ पे ये सूत्र लगाइए, त्रिकोणमिति षट्समका का दूसरा नियम tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे tan और ये इसके स्थान पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसका इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये समाकलन और dx का इसमें भी गुणा करिए, इसमें भी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे, ये देखिए ये सूत्र लगाएंगे यहाँ अभी मैंने लिखा था टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ से फिर से लगा देते हैं फार्मूला, ये हो जाएगा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब समाकलन का गुणा इसमें और डी एक्स का भी दोनों में चिन्ह सहित करेंगे। तो इन लोगों को सेम लिख देते हैं ऐसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। कि यहाँ पे ये आई इंटीग्रेशन वन बराबर, ये टी बराबर मान लेते हैं, टी बराबर टेन एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन आप यहाँ पे रखेंगे टी स्क्वायर और इसके स्थान पर डी टी माइनस सेक स्क्वायर। देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स और वन का समाकलन एक्स प्लस सी, और यहाँ पे जब टी स्क्वायर का समाकलन करोगे टी के पावर थ्री बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। फिर इस टी के स्थान पर टेन एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा टेन क्यू पी एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर दो पद हैं और नीचे एक पद, इन दोनों पदों के नीचे बारी बारी से ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू पी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस कास क्यू पी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे जैसे ऊपर तीन बार है, तो नीचे लिखेंगे हम ऊपर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर आगे ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, कास स्क्वायर एक्स कैंसिल और यहाँ पर साइन एक्स बटे कास एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स, बगल में वन कर दें तो एक बटे कॉस एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स प्लस। और यहाँ पर नीचे इसको अगर नीचे ले आए, ठीक है ना, तो यहाँ पर कास को अगर नीचे ले आए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कास एक्स बटे साइन एक्स बराबर काट एक्स, और यहाँ पे वन है, वन अपान साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो एक बटे साइन एक्स के स्थान पे कोसेक्स हो जाएगा। और कास एक्स बटे साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, ये हो जाएगा dx। अब देखो समाकलन और dx का गुणा इन दोनों में करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। अब समाकलन में इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स, ये सेक एक्स के बराबर सूत्र ही होता है, ठीक है, प्लस। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से अगर लिख देंगे सेक एक्स प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कास 2x बराबर हम यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, और ये चीज़ एक के बराबर होता है, वन अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है tan x प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 18 नंबर कंप्लीट होता है।